नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। नागपुर के बाहर जाने वाले ऑक्सीजन टैंक जो दो दिनों से लापता थे, उसके प्रशासन के सतर्कता की वजह से पकड़े गए हैं। शहर के ऑक्सीजन से जुड़ी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इन्होंने प्यारे खान इनको दी थी, जिसके चलते शहर में चार ऑक्सीजन टैंकर भिलाई से आने वाले थे, जिसकी ट्रैकिंग प्यारे खान द्वारा की जा रही थी। पर इन चार दिनों में ड्राइवर ने कहा लोडिंग नहीं हुई है, जिसके बाद फिर कहा गया कि गाड़ी में रिपेयरिंग का प्रॉब्लम है। इसके बाद जब प्यारे खान ने वहाँ मैकेनिक भेजा तो वहाँ पता चला कि चार गाड़ियाँ गायब है। फिर उन्होंने प्रशासन से इसकी शिकायत की और उनके सहयोग से इसमें सफलता हासिल कर पाए। चार टैंकर का हमारा ट्रैकिंग चल रहा था जो भिलाई से नागपुर आने थे, तो हमने ड्राइवर से बात की कि भाई क्या हुआ, तो बोले पहले लोड नहीं हो रहा करके, बाद में बोले कि गाड़ी में रिपेयरिंग का प्रॉब्लम है। तो सेकंड डे मैंने बात किया, गाड़ी रिपेयर हो गई, तो बोले नहीं रिपेयर नहीं हुआ। फिर मैंने यहाँ से अपने मैकेनिक और रिपेयर की टीम यहाँ से नागपुर से भिलाई भेजी, तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि चारों गाड़ी गायब है। फिर हमने कलेक्टर साहब और म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब इन दोनों को भी शिकायत की, मैंने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया। तो फिर जब ड्राइवर का ट्रैकिंग किया हमने जीपीएस के थ्रू और उनके मोबाइल नंबर के थ्रू, तो दो गाड़ी देवरी बॉर्डर पे आरटीओ ने पकड़ा और उसके बाद दो गाड़ी औरंगाबाद जालना के बीच में पकड़ी गई, तो ऐसे चार गाड़ी पकड़ी गई। ये मेरे ख्याल से ज़्यादा पैसे में कुछ लिक्विड बेचने के लिए लेके जा रहे थे, तो इनके मालक की और ड्राइवर की मिली भगत से काम हुआ है।